भाई हम सोच रहे थे कि जिंदगी वापस पटरी पे आ गई है। हमें लगा था कि वैक्सीन आने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं, इस बार कोरोना ने भी वैक्सीन लगवा ली है शायद। तो यार बात कुछ ऐसी कि अभी हम लोग बाहर गए थे तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें बंद हैं, सड़कों पर ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे, तो पता चला कि भाई कोविड की सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है लखनऊ में। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं और अंकित दोनों यहाँ पे रेंट पे रहते हैं एक हॉस्टल में, उसके बगल में ही हमारा दोस्त रहता है आदित्य। तो तीनों लोगों के साथ मेरा एक प्लान बना था कि आज के दिन हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन यार लखनऊ में जितनी भी घूमने वाली जगहें हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गए हैं, तो हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज इस बार का कोविड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक बहुत ही कूल प्लेस पे जा रहे हैं। कूल प्लेस से मेरा मतलब ये है कि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते। तो कौन सी वो जगह है, क्या है उस जगह की खासियत, चलिए वहाँ पर चल के देखते हैं। मास्क लाया मेरा? नवा नवा है, लेवाइस। अरे भाई हम आ गए, बीबीडी यूनिवर्सिटी है सामने हमारे। भैया मर्सिडीज बेंज का शोरूम, अब हम लोग जाएंगे यहाँ से नीचे। गाइस अब हम लोग एंटर कर रहे हैं आउटर रिंग रोड पर। तो गाइस अभी हम लखनऊ के हाईएस्ट आरओबी पर आ चुके हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है। तो गाइस यहाँ पर हम रुके हैं और ये साइड में है इंदिरा कैनाल, जहाँ से ये रेलवे लाइन इसे क्रॉस कर रही है और सामने आपको ये आरओबी दिख रहा होगा। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, बहुत सारे लेबर लोग काम कर रहे हैं। और गाइस अभी हम सामने जा रहे हैं, सामने से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, वो आपको दिखाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं उसी लोकेशन पर और यहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो घूमने आए हैं। सो भाई अभी हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, यह है इंदिरा डैम। और गाइस यहां पर जो आपको नदी दिख रही है यह है गोमती नदी, और गाइस इस गोमती नदी को क्रॉस कर रहे हैं यहां पर इंदिरा नहर। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करते हैं, इसीलिए इसे बनाया गया है। और अभी यहाँ पर ज़्यादा स्पीड से पानी नहीं आ रहा है, फिलहाल आपको इधर का नज़ारा दिखाते हैं। तो सामने जो आपको ओवरब्रिज दिख रहा है ये है आउटर रिंग रोड, और इसके पीछे आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही होगी जो कि आमतौर पर शहरों में नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं ताकि वो आराम से नेचर को एंजॉय कर सके, अच्छी हवा ले सके। तो हम लोग भी कभी कभी यहाँ पर आते हैं थोड़ी मस्ती करने के लिए, और यहाँ पर सर्दियों में हम लोग अक्सर आते थे, चाय वाय लेकर आते थे, पीते थे, मज़ा आता था। गाइज हम लोग सनसेट देखने आए थे लेकिन पता ही नहीं चला कब सनसेट हो गया, और नदी का पानी एकदम काला हो रखा है, मतलब अगर कोई जानवर पानी पिए तो उसकी भी तबीयत खराब हो जाए, कुछ इस तरीके का हाल कर दिया है इंसानों ने नेचर का। तीन लस्सी दे दो यार, भैया लस्सी ऐसी नहीं है पता? टाइम ज्यादा होगा भैया, कौन से लोग यार? हम लोग लस्सी पीने वाले थे बट यहाँ पर सब खत्म हो चुका है और समोसे रखे हैं, लेकिन यार ऐसी सिचुएशन में बाहर समोसे वमोसे खाना सेफ नहीं है,
तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया है, अभी हम वापस जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पर आप देखिए तो काफी सारे पत्थर वत्थर लगाए गए हैं, इसको फ्यूचर में एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी काफी लोग यहाँ पे आते हैं चिल करने के लिए, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है इस प्लेस के बारे में, वैसे कोविड के कारण ज्यादा लोग यहाँ पर दिखे नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी यहाँ पर एक पास में हमारे है VVD ग्रीन सिटी पार्क, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं और साथ में हमने ली है लस्सी। सो यार अभी रात के 8 बजने वाले हैं, हम लोग आए थोड़ा मार्केट में, काफी सामान लेना था वो सब हम लोगों ने खरीदा और फाइनली अभी हम लोग बैठे हैं BVD के ग्रीन सिटी पार्क में, बिकॉज यहाँ पर काफी शांति वाला माहौल है और हमने ली है ये लस्सी। बाकी खुले जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केट में वो खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो गाइस फाइनली इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, जो भी चीजें हमने दिखाने की कोशिश करी है वो आपको पसंद आई होंगी। फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर गाइस किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यार कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो प्रिकॉशंस लेते रहो और घर पे रहो, सेफ रहो, बाय।